मैं गौतम सचिन आपके लिए लेके आया हूँ नई वीडियो जो कि गदर मूवी की है और हम जा रहे हैं मूवी देखने अभी। गदर 2 पहला शो है, पहले दिन ये जो पीछे झंडे देख रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं कि आज रैली निकलेगी क्योंकि गदर मूवी रिलीज़ हो रही है। और अब हम जा रहे हैं कहाँ बैठने, देखिए चलिए थोड़ा सा मोबाइल सपोर्ट करिए, बस हम चलते हैं दिखाते हैं। पिक्चर देखिए पिक्चर पहले। हाँ फोटो। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम भी स्किप ना करिएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी हम तो आलमबाग रोड पे हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं और ये हम आलमबाग पहुंच चुके हैं। सामने दिख रहा है चौराहा, चौराहा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है सिग्नल रेड है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के जल्दी निकलना, पहला शो 9 बजे का है तो 5 ही बजे उठना पड़ा था। उसके बाद तैयारी ये देखी गई, 7 बजे घर से निकले हुए हैं, अभी तो 7:30 बजे है, आधे घंटे पहुँच जाएंगे, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे और लगता है हम लोग जल्दी निकल लिए। थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए था, 8 बजे तो निकलना चाहिए था, कोई बात नहीं। फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए के मेन गेट पे आ चुके हैं जहाँ से हमें एंट्री होगी। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 8:20 हुआ है और गेट खुलने का समय है 8:30 का है। ये देखिए अभी गेट बंद है और अभी हम दिखाते हैं जब गेट खुलेगा तब एंट्री करेंगे अंदर उसके लिए। तो फ्रेंड्स एंट्री हो चुकी है, ये देखिए कितनी धांसू एंट्री मारी हम लोगों ने, पहले एंट्री मार दी और हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में और ये पार्किंग सामने राइट में है।
ये मेरी पर्ची मिल चुकी है। तो हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, अब हम लोग देख रहे हैं लिफ्ट कहाँ है, लिफ्ट पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। सामने लिफ्ट आगे आते रहते हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मजा आने वाला है। और अभी 9:00 का है और 8:38 हो चुका है, 20 मिनट बचे हैं, 20 बैच मिनट उसी में पहुंच रहे हैं। जिसका वेट था ये सामने आ गया, वो गदर टू सनी पाजी जी। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये हमारा पोस्टर है पीछे सनी पाजी का, गदर टू का। और कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि सेल्फी ले रहे हैं हम लोग और आज भी देखने जा रहे हैं। अभी आगे ले चलते हैं और आगे दिखाते हैं। अभी सनी पाजी के भी काफ़ी फ़ैन हैं, अभी तो सुबह 9:00 है, पहले ही सोए और काफ़ी भीड़ लग गई है, क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए हैं। हाँ 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 एक पॉपकॉर्न ले लेना। रेगुलर है, रेगुलर पाइपलाइन कैश 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 करते हैं। तो हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं अभी
और अभी अंदर जाएंगे। फिर अंदर व्यू दिखाएंगे कैसा है। ये हम एंट्री कर रहे हैं अभी और लाजवाब एंट्री हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आते हुए। और अभी दिखाते हैं यहाँ का कैसा क्या व्यू है। अभी आपको दिखाते पूरा व्यू दिखाते हैं। थी अब तक चंबल का हूं, समझा। करम करम बात करो। कौन है? क्रेडिट कार्ड वाला। हेलो, आपके पति ने ना वो क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने से भरा नहीं है। यहाँ मेरे अपनी मांग ने 1 हफ्ते से सिंदूर नहीं भरा, आपको बिल की पड़ी? देखिए आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मांग भर देता हूँ। मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला पड़ा है, बिल कौन भरेगा? माल्या से तो चारा लोन लेके बैठे हम दोनों। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। हमने पापा को सारी बात बता दी। पापा पहुँच नहीं पा रहे होंगे तुम्हारे घर, शादी की बात करने आ रहे हैं। नौकरी बैंक अकाउंट में 25,00,000 रुपये, ये अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ 6 महीने में। रोडी चल रहा है होगा, 10 दिन मुझे कहाँ से करेगा वापस? तो एक ही ऑप्शन है। सर ये पूजा माँ बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी आपके पीछे से गुजर रहा है। फोन से भी ज्यादा फीचर्स ऊपर वाले ने मुझे दिए। पूजा की वजह से शाहरुख के चेहरे पे मुस्कान आ गई। किसी के साथ निकाह हो जाए, इतने पैसे मिल गए, मतलब गाना गाने के। सुने गा रहे वो लोग कुछ बजाने का बोलते हैं, जैसे उसकी घबराहट सी हो रही है। तो उसके लिए अलग से पैसे ले लो। ये लग्जरी थिएटर के लग्जरी बाथरूम, ये देखिए कितना अच्छी है और बहुत ही अच्छी है। काफ़ी साफ सफाई रहती है भैया, बहुत ही सुंदर बनाया है। पूछेंगे तो हम जवाब दे सकते हैं। एक बार उनसे पूछ लो, बात कर लो। तो मूवी काफी अच्छी थी और बहुत ही बढ़िया मूवी थी।
तो मूवी काफ़ी इंस्पिरेशन थी और काफ़ी जो है इमोशनल थी। मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मूवी को आप एक बार जरूर देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत इमोशनल मूवी है, बहुत प्यारी लगी मुझे तो, और मुझे आ गया अपना पैसा वसूल हो गया सारा। ठीक है, एक बार आप लोग भी ये मूवी जरूर देखें। थैंक यू। तारा सिंह को बहू भी तो मिल गई पाकिस्तान से। तारा सिंह को बहू मिल गई पाकिस्तान से।